नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल प्लानिंग अड्डा में। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं 20 फीट बाई 40 फीट का 800 फीट का ईस्ट फेसिंग प्लान, जिसका फ्रंट 20 फीट का होगा और जिसकी डेप्थ 40 फीट की होगी, जिसमें एक बेडरूम, एक हॉल, एक किचन और दो बाथरूम होंगे और साथ में एक कार पार्किंग पोर्च भी होगी। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आप लोग को नोटिफिकेशन आए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इसका जो फ्रंट है वो 20 फीट का है और इसकी जो डेप्थ है वो 40 फीट की है। फ्रेंड्स, इस प्लान का जो भी एक एवरेज एस्टिमेट आएगा, कॉस्टिंग आएगी इसको बनाने में, वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो यहाँ से ये जो कॉर्नर है, ये नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है जहाँ से हमने पोर्च दिया हुआ है। इसका जो विड्थ है वो 10 फीट 9 इंच है और इसकी जो डेप्थ है वो 15 फीट की है, जिसमें आराम से आपकी एक मिड साइज़ की कार आ सकती है। और यहाँ से दोस्तों, जब हम अंदर हॉल में एंटर करेंगे तो हॉल की जो विड्थ है वो 16 फीट 2 इंच की दी हुई है और इसकी जो डेप्थ है वो 12 फीट की दी हुई है। और इसके साथ ही हमने अंदर से ही अटैच सीढ़ी दी हुई है। यहाँ हमने सिटिंग का प्लेसमेंट किया हुआ है, यहाँ डाइनिंग टेबल का प्लेसमेंट किया हुआ है। हॉल से बाहर ही यहाँ किचन दिया हुआ है। फ्रेंड्स, ये साउथ ईस्ट कॉर्नर है तो साउथ ईस्ट कॉर्नर वास्तु के हिसाब से अच्छा माना जाता है किचन के लिए। और इसका जो पाटा है वो साउथ में और ईस्ट दोनों डायरेक्शन में है। इसकी जो गैस लगाई हुई है वो ईस्ट की दिशा में है और इसका जो सिंक लगाया हुआ है वो साउथ वाली वॉल पे है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ एक स्पेस भी दी हुई है फ्रिज के लिए ताकि आपको फ्रिज में रखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसके साथ ही एक यहाँ एक्सटीरियर में सामने की तरफ एक वेंटिलेशन दिया हुआ है, जिसके बाहर वॉश एरिया भी है तो आप अपने बर्तन वगैरह यहाँ से धो सकते हैं। अब चलिए, यहाँ से हम फ्रेंड्स रूम में चलते हैं। ये जो रूम है इसका विड्थ है 9 फीट 4 इंच और इसका डेप्थ है 11 फीट 9 इंच। यहाँ रूम में एक विंडो दी हुई है, जो यहाँ मैंने स्पेस छोड़ी हुई है वेंटिलेशन के लिए। ये स्पेस में आपको दोनों बाथरूम के वेंटिलेशंस मिलेंगे और आपको इसमें रूम से भी वेंटिलेशन मिलेगा। आप चाहें तो विंडो से यहाँ जा भी सकते हैं। फ्रेंड्स, इस रूम के साथ एक अटैच लेट बाथ भी दिया हुआ है, जिसमें वॉश बेसिन और आपका कमोड और एक शावर दिया हुआ है। यहाँ से जब हम बाहर आते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें एक टॉयलेट कॉमन दिया हुआ है। इस टॉयलेट में आप हॉल से एक्सेस कर सकते हैं इसको। इसमें एक वॉश बेसिन दिया हुआ है, कमोड और एक शावर दिया हुआ है। फ्रेंड्स, ये मैंने 1 BHK प्लान बनाया है। अगर आप लोग चाहेंगे तो इसको ऊपर जाके, जब आप ऊपर पहुँचेंगे तो आप फर्स्ट फ्लोर में जहाँ मैंने रूम बनाया है अंदर की साइड, यहाँ आप सेम टू सेम रूम बना सकते हैं और इसी के ऊपर इसका टॉयलेट आ जाएगा। और दूसरा जो रूम है फ्रेंड्स, वो यहाँ इस जगह पे, इतनी जगह पे आएगा जहाँ हॉल बना हुआ है। यहाँ एक बेडरूम आएगा, इस बेडरूम के साथ जो टॉयलेट मैंने कॉमन दिया था नीचे, वो आपका अटैच हो जाएगा। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको 3 BHK भी बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें कॉलम की प्लेसमेंट देखते हैं। इसमें 3 कॉलम फ्रंट में आएंगे, जो डोर के दोनों तरफ और एक इस कॉर्नर पे, उसके बाद किचन के दोनों कॉर्नर पे और उसी के ठीक सामने यहाँ पोर्च में। ये 3 कॉलम हॉल की एंट्रेंस वाली वॉल पे आएंगे, 2 किचन की वॉल पे, 1 हॉल के कॉर्नर वाली वॉल पे। ये जहाँ हॉल ख़त्म हो रहा है वहाँ पे 3 कॉलम आएंगे, दोनों कॉर्नर पे एक एक और एक सेंटर में टॉयलेट वाली वॉल पे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ये लास्ट में फिर जाके 3 कॉलम्स यहाँ आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये टोटल मिला के 15 कॉलम्स हैं इस हाउस में। तो 15 कॉलम्स इनफ हैं इस हाउस के लिए। आप चाहें तो इसको 9 बाई 9 में भी बना सकते हैं अगर आप एक फ्लोर बना रहे हैं तो, और अगर आप 2 फ्लोर बना रहे हैं तो इसको 9 बाई 12 का कॉलम आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इस बिल्डिंग की जो एवरेज कॉस्ट आएगी, वो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन अगर आप करेंगे, 2 बाई 2 का टाइल और नॉर्मल बाथरूम फिटिंग के साथ, ये लगभग आपको 10 से 12 लाख रुपये आएगी। और अगर आप इसको थोड़ा अच्छा कंस्ट्रक्शन करते हैं, मतलब जैगवार वगैरह की बाथरूम फिटिंग्स लगाते हैं या फिर आप इसमें टाइल्स का साइज़ बड़ा लगाते हैं 2 बाई 4 या कुछ, तो वो वेरी करता है, उससे आपकी कॉस्ट फिर बढ़ जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।